ओम नमः शिवाय। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपकी उन्नति कहीं ना कहीं किसी ना किसी द्वारा रोक दी जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी सडन चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में और लाख कोशिश करने के बाद भी अगर कोई आउटपुट नहीं निकलता तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है। अब जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होगा वो कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, तो ऐसे जातक को चाहिए कि चांदी के दो नाग नागिन के जोड़े किसी शिव मंदिर में चढ़ाए। इससे उसका जो काल सर्प दोष है वो नष्ट हो जाएगा और जिंदगी में वो तरक्की करता हुआ चला जाएगा। ऐसे कुछ और भी उपाय हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। अगर पैसों की ज्यादा ही तंगी हो और चांदी के बने ये नाग नागिन के जोड़े आप ना चढ़ा पाए तो आप ऐसा ही एक चित्र बनाए नारियल के ऊपर और उस नारियल को मौली से लपेटकर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी विकार होंगे, जितने भी कुंडली में दोष होंगे काल सर्प दोष के, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। ये भी एक उपाय आप कर सकते हैं काल सर्प दोष को हटाने के लिए। काल सर्प दोष में एक और उपाय होता है, जब कोई आप सपेरा देखें उससे एक नाग नागिन का जोड़ा लें और उसको किसी जंगल में स्वतंत्र कर दें। ऐसा करने से भी आप अपने ऊपर लगे हुए काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से आपके जितने विकार होंगे वो सारे दूर होंगे। याद रहे, कभी भी किसी नाग को नागिन को मारे नहीं। अगर आपके घर में कोई नाग नागिन या फिर कोई सांप आ जाता है तो उसको विनम्रता से जहां से वो आया है वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करना इंसान के हाथ में नहीं है, इसका फैसला भोले शंकर करेंगे। आप सिर्फ अगर ऐसा कुछ कभी इत्तफाक से या कभी गलती से कोई सांप या फिर कोई नागिन आपके घर में आ जाए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना, उसको मारे नहीं। मारने से आपके ऊपर काल सर्प दोष लग सकता है, तो ऐसे में आपको उसको जीवित छोड़ना होगा। चाहे तो कहीं दूर छोड़ दीजिए लेकिन उसको जीवित रखिएगा, मारने से आपके ऊपर काल सर्प दोष लग जाएगा। कोई ऐसा मंदिर ढूंढे भगवान शिव का जहां पर कि नाग ना हो, नाग नागिन ना हो। ऐसे में वहां पर एक भगवान शिव की मूर्ति रखाएं सांप के साथ और उसकी प्रतिष्ठा करवाएं। ऐसा करवाने से भी आप अपना काल सर्प दोष दूर कर सकते हैं। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र लगातार 41 दिनों तक जाप करने से, नित्य प्रतिदिन आप जाप कीजिए 41 दिनों तक, तो चाहे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, कितना ही बड़ा विकार क्यों ना हो, वो सारे दूर हो जाएंगे। काल सर्प दोष भी इस मंत्र से दूर होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है कि आपको अमर भी बना सकता है। तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए 41 दिनों तक, तो जितने भी आपके विकार होंगे सारे दूर हो जाएंगे। जब आप हिमाचल में जाएंगे तो वहां पर आपको माँ बगलामुखी से पहले एक मंदिर मिलेगा नाग देवता का। वहां पर जाकर नाग पंचमी के दिन हवन कराने से या कोई भी दान दक्षिणा करने से आपका जो काल सर्प दोष है वो देखते ही देखते एक ही दिन में दूर हो जाएगा। ये मैंने काफियों पर आजमाया है, इसके बाद आपको बता रहा हूँ। और आखिरी आपको रामबाण इलाज बता देता हूँ। अगर काल सर्प दोष कई वर्षों से हो तो आपको करना यह है कि अपने वजन के अनुसार कोयला पानी में बहा देना है। ऐसा करने से भी आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। और काल सर्प दोष के अलावा भी काफी सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं, तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी के लिए या फिर आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस समस्या को समझ नहीं पाते कि ये किस कारण से हो रही है और न जाने इतने उपाय कर देते हैं और फिर भी कुछ नहीं लगता। तो पहले एक योग्य गुरु से परामर्श लीजिए, उसके बाद किसी नतीजे पाइएगा। तो जब आपको ऐसे लक्षण दिखें तो पहले किसी योग्य गुरु के पास जाइए और वहां से उनसे परामर्श लीजिए, उसके बाद जो भी वो कहें वो कीजिएगा। ऐसा करने से आपके जितने विकार होंगे वो सारे दूर होंगे। धन्यवाद।